दोस्तों, आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। आज का टॉपिक उन लोगों के लिए है जो प्यार करते हैं या फिर जिनकी शादी होने वाली है। तो चाणक्य के अनुसार स्त्रियों से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक आम सी कहावत है कि जब प्यार की बात आती है ना, तो बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी ठीक तरह से नहीं सोच पाता। उसे प्रेम में हर चीज़ प्रेम में लगने लगती है। कभी वो बड़ी से बड़ी बात को नज़रअंदाज कर देता है, तो कभी छोटी छोटी बातों में अपना आपा खो बैठता है। लेकिन ये प्रेम उस समय विष समान लगने लगता है जब उसका साथी धोखेबाज होता है या उसका रिलेशन किसी और से होता है। जीवन में अधिकतर लोग ऐसे होते हैं जिन्हें प्रेम में कभी ना कभी असफलता मिली होती है। और चाणक्य के अनुसार कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। लोग आज के समय में सबसे पहले किसी स्त्री की सुंदरता देखते हैं और 90% लोग सुंदरता देखकर ही शादी करते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ऐसी स्त्री जो केवल सुंदर हो वो बुद्धिमान भी होगी ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए शादी हमेशा अच्छे विचारों की कन्या से करें, न कि सुंदर लड़की से। कुछ स्त्री ऐसी होती हैं जिनका हृदय पूर्ण नहीं होता, वह बटा हुआ होता है। जब वह एक आदमी से बात करती है तो दूसरे की ओर वासना से देखती है और मन में तीसरे को चाहती है। और मूर्ख व्यक्ति को लगता है कि वह हसीन लड़की उससे प्यार करती है, वह उसका गुलाम बन जाता है और उसके इशारों पर नाचता है, जबकि वह उसके धन से प्यार करती है। चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति वही है जो प्यार या शादी के लिए स्त्री को बाहरी सुंदरता से न देखते हुए मन की सुंदरता से देखे। यदि कोई उच्च कुल की कुरूप कन्या सुसंस्कारी हो तो उससे शादी कर लेना चाहिए, जबकि कोई सुंदर स्त्री यदि संस्कारी न हो, अधार्मिक हो, नीच कुल की हो, जिसका चरित्र ठीक न हो, तो उससे किसी भी परिस्थिति में शादी नहीं करनी चाहिए। कहते हैं, महिलाओं के संबंध में यह माना जाता है कि खुद भगवान भी आज तक ये नहीं जान पाए कि किस स्त्री के मन में क्या चल रहा है।